मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैंने बहुत दिन से वीलॉग नहीं किया, मैंने मूड नहीं था एक्चुअली। पूरा भारत कई प्रेशर से गुजर रहा है। एक तो मेंटल और इमोशनल प्रेशर सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद में, वो जो लाजमी भी है ऑफ कोर्स, क्योंकि अपनी आंखों के सामने एक जवान जिंदगी को जाते हुए देखना आसान बात नहीं है, और कोई बहुत ही निष्ठुर होगा कि वो इस बात से अफेक्टेड ना हो। और ऊपर से फिर अभी इंडो चाइना का जो केस चल रहा है, और जो 20 हमारे 20 जवान जो घंटों लड़ने के बाद में और तड़प तड़प के जो मरे हैं, आई डोंट नो वहाँ पर क्या कैजुअलिटी हुई है। मैं भारतीय हूँ, पर उससे ज़्यादा मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, एक इंसान हूँ आपकी तरह, तो मुझे दोनों ही चीज़ें ठीक नहीं लगती। मतलब ये क्या है चल रहा है, मारा मारी, इंसान की इंसान को मारना, और ये चीज़ें समझदारी से भी हैंडल हो सकती हैं अगर इंसान चाहे तो, लेकिन हमारे वाले तो चाहते हैं शायद, लेकिन सामने वाला जो पक्ष है वो तैयार नहीं है, या उसके अपने एजेंडाज हैं कुछ। दुख की बात है, मेरी सहानुभूति सबके लिए है। मैं इस वीलॉग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, खासतौर से हमारी म्यूजिक कंपनीज को, क्योंकि आज सुशांत सिंह राजपूत मरा है, एक एक्टर मरा है, कल आप किसी सिंगर के बारे में भी सुन सकते हैं, या किसी कंपोजर के बारे में सुन सकते हैं, या किसी लिरिक्स राइटर के बारे में सुन सकते हैं, क्योंकि ये जो माहौल है म्यूजिक का हमारे देश में, वो बहुत फिल्मों से बड़ा माफिया म्यूजिक में है अनफॉर्चुनेटली। और मैं समझ सकता हूँ कि बिजनेस करना जरूरी है लोगों के लिए, और अपनी सब को लगता है कि हम रूल करें बिजनेस को। क्या है कि मैं थोड़ा लकी था कि मैं बहुत कम उम्र में आ गया था, तो मैं इस चंगुल से निकल गया, लेकिन जो नए बच्चे आए हैं ना, उनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं सबसे बात करता हूँ, कितनी लड़के लड़कियाँ आके मुझे बोलते हैं, सुनो भैया ये, सुनो भैया वो, सुनो सर ये, सुनो सर वो। मतलब बच्चे हैं, वो कल के आए हुए यार, परेशान हैं वो कि प्रोड्यूसर काम करना चाहता है, डायरेक्टर काम करना चाहता है, म्यूजिक कंपोजर काम करना चाहता है, पर म्यूजिक कंपनी बोलेगी ये हमारा आर्टिस्ट नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग बहुत बड़े हैं और आप लोग कंट्रोल करते हैं म्यूजिक को, आप लोग कंट्रोल करते हैं कि रेडियो में क्या बजेगा, कंट्रोल करते हैं कि फिल्मों में, लेकिन ऐसा मत कीजिए, दुआ बद्दुआ बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये ठीक नहीं है। ये जो दो लोगों के हाथों में ताकत है ना, दो लोग हैं बस इंडस्ट्री के म्यूजिकली, उनके दो कंपनीज हैं, उनके हाथों में ताकत है कि ये इसको गवाओ, इसको मत गवाओ। देखिए मेरा, मैं निकल गया से ना, मुझे कोई गाने की इच्छा है पिछले 15 साल से ना, मैं कोई बहुत, इट्स ओके, आई एम वेरी हैप्पी इन माई ओन वर्ल्ड, बट आई हैव सीन द फ्रस्ट्रेशन इन द आईज एंड इन द वॉइस इन द वर्ड्स ऑफ न्यू सिंगर्स, न्यू कंपोजर्स, न्यू लिरिक्स राइटर्स। खून के आंसू होते कभी कभी, अगर वो मर गए तो आपके दिल पे, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा, आपको भी, आप पे भी प्रश्न चिन्ह आएगा। बी ए लिटल मोर काइंड प्लीज टू द न्यू कमर्स, बिकॉज ये सब गंधर्व लोग हैं, सिंगर्स कंपोजर्स वगैरह जो होते हैं गंधर्व लोग हैं, इन पे सब, इनको प्रताड़ित मत कीजिए, आप लोग इन पे थोड़ा सा इजी रहिए। मेरे साथ में ऐसे हो सकता है कि मेरे गाने मैं गा रहा हूं और कोई बोल रहा है कि वही एक्टर जिसके, जिस एक्टर के ऊपर आजकल उंगलियां उठ रही हैं, वो एक्टर बोल रहा है कि इसको मत गवाओ, और उसने अरिजीत सिंह के साथ भी कर रखा है, तो ये क्या है? मतलब अरे, हाउ कैन यू यूज योर पावर लाइक दैट? मेरे कितने गाने मैंने गा रखे हैं जो डब हो चुके हैं, मतलब बोलते हुए भी मुझे एम्बैरेसिंग लगता है मुझे कि इट्स लाइक यू नो, बट दिस इज ह्यूमिलिएटिंग इज़न्ट इट, बिकॉज आई डोंट आस्क फॉर वर्क। मैं तो नहीं बोला कि मैंने तो नहीं कहा कि मुझे बुलाओ गाने के लिए, तो मुझे बुला के, मुझसे गाना गवा के फिर मेरे गाना डब करना, दिस इज लाइक, मतलब या तो मैं बोलूँ कि प्लीज हेलो मुझे गाना गवाओ, मैंने कहा गाने के लिए, मैंने गाने के लिए नहीं कहा, आप मुझे बुलाते हो, मुझे गाना गवाते हो, फिर मेरा गाना डब कर देते हो। मतलब दिस इज फनी एज हेल, स्पेशली बिकॉज आई बीन वर्किंग सिंस 1991।
इन बॉम्बे एंड आई बीन वर्किंग सिंस 89 इन द म्यूजिक इंडस्ट्री. 89 से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ. मेरे साथ में ऐसा कर सकते हो तो छोटे बच्चों के साथ में क्या कर रहे हो यार आप लोग. थोड़ा सा इजी हो जाओ यार. ऐसे एक ही गाने को नौ नौ लोगों से गवाते हो एक ही गाने को. क्या चल रहा है. यू गाइस नीड टू जस्ट चिल अ बिट. बी अ लिटिल काइंड टू द ह्यूमेन. थोड़ा ह्यूमेन होना भी आवश्यक है कि नहीं है. आपको लगता है कि इतना इजी है एक सिंगर को कि वो उसने 10 गाने गाए 10 के 10 गाने डब हो जाए उसके फिर 11वें गाने भी उसको बोले तुझे हम सिलेक्ट कर रहे हैं. इजंट इट रॉन्ग फॉर द सिंगर्स. इजंट इट रॉन्ग फॉर द लिरिक्स राइटर्स टू बी पेड पिटेंस. इजंट रॉन्ग फॉर द म्यूजिक कंपोजर्स कि तेरा गाना तू मेरी कंपनी में का आर्टिस्ट है तो मैं तुझे काम दूंगा. वरना तेरा काम कितना भी अच्छा हो मैं तुझे काम नहीं तेरे से काम नहीं करूंगा. ये थोड़ा ठीक नहीं है मेरे ख्याल से. सो यू सी आई एम डन विद दिस. But please don't torture the younger ones. Really, itna achha space nahi hai. Please look, step into their shoes and please try to understand. They need you. They need your help. They need your kindness. They need your grace. Thoda sa kind ho jaiye aap log yaar. Aisa mat kijiye. Anyway, chalo. I hope kuch log is baat ka bura na mane ki Sonu Nigam aise bol diya aur hamare bare mein aise bol diya. मैं जो कह रहा हूँ वही जो मैं देख रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ. और मेरे ख्याल से लोग इससे एग्री भी करेंगे जो जिनकी जो म्यूजिक कंपोजर्स हैं जो सिंगर्स हैं जो राइटर्स हैं जो जो सफर कर रहे हैं. मैं कह रहा हूँ इवन डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स आल्सो आर नॉट हैप्पी कि उनको उनकी मर्जी का म्यूजिक बनाने नहीं दिया जा रहा. ये भी ठीक बात नहीं ना. दे मुझे तो डायरेक्टर्स भी जब मिलते कहते सर हमको ये गाना चाहिए नहीं पर म्यूजिक कंपनी बोलते कि ये गाना हमको दे रहा. तो ये थोड़ा रॉन्ग है. क्रिएटिविटी दो लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए. It's enjoy the bliss of everybody, everybody's grace, everybody's music, everybody's talent, everybody. आप सब आप ही बताओगे तो फिर म्यूजिक कितना कम छोटा हो जाएगा ना. पहले म्यूजिक कैसे होता था. राज कपूर का अलग म्यूजिक होता था है ना. और ओपिनियर का अलग म्यूजिक होता था. शंकर जयकिशन का म्यूजिक राज कपूर के लिए अलग और बसंत बहार के लिए अलग. तो मतलब कितना सबका अलग इतना वेरिएशन था पहले. अभी म्यूजिक बड़ा संकुचित सा होता जा रहा है. और लोग सुसाइड ना कर लें तो थोड़ा सा आप लोग काइंड हो जाइए. एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लिव लाइक अ हैप्पी फ्रेटर्निटी. थैंक यू. गॉड ब्लेस एवरीवन. बाय.